आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबर की ओर। सीतापुर नेशनल हाईवे 24 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि 40 लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की एक ट्रक से भिड़ंत हो गई। इस दौरान 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही 36 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या नाम है आपका? अभी जब आप लोग यहाँ हॉस्पिटल आए हैं तो क्या डॉक्टर यहाँ पर मौजूद थे? नहीं नहीं, हमारे पास हम ना आए तो डॉक्टर नहीं थे। अच्छा, आपको आए हुए यहाँ कितने देर हो? ट्रैक्टर जो था शाहजहांपुर से आ रहा था हथौड़ा मोहल्ले से, जो उन्होंने बताया ये देवा शरीफ जा रहे थे, कल बृहस्पत है, ये अपने सीतापुर से लखनऊ रोड की तरफ जा रहा था और जो ट्रक था वो लखनऊ से सीतापुर की तरफ जा रहा था, अचानक मोड़ के एक खड़ा हुआ ट्रक उस पर टक्कर मारा और ट्रैक्टर पर टक्कर मार दी, जिसमें करीब 4-5 लोग मरे हैं। अच्छा, और कुछ लोग घायल भी हैं? घायल भी हैं, 5-6 लोग घायल भी हैं। अच्छा, भयानक हादसा। आज रात्रि में लगभग 12 बजे एक परिवार अपने संबंधियों के साथ शाहजहांपुर रोजा से मरवंकी देवा शरीफ जा रहा था, जहां उनके बच्चे का कल मुंडन था। वो लोग अपने परिवार के ट्रैक्टर ट्राली पर बैठ करके जा रहे थे, रास्ते में बरसात शुरू हो गई। ये लोग छिंदौली कस्बे के पहले ही जहाँ रोडवेज है उसके कट के पास मुड़ने का प्रयास किए, सामने से आ रहे ट्रक ने इनको टक्कर मारा, ट्रैक्टर इनका पूरा नष्ट हो गया और बाद में पीछे से ट्रक और आया, उस तो टक्कर मार दिया उनके ट्राली पर, जिसमें करीब 4 लोग की तत्काल मौके पर मौत हो गई थी, 4 लोग और गंभीर रूप से घायल हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनीश हमसे जुड़ेंगे। सुनीश, सीतापुर नेशनल हाईवे 24 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, इसको लेकर क्या जानकारी है? सुनीश, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है हमारे पास। सीतापुर नेशनल हाईवे 24 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि हादसे में 40 लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की एक ट्रक से भिड़ंत हो गई। इस दौरान 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 36 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। चालीस लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की एक ट्रक से भिड़ंत हो गई। इस दौरान 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 36 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे संवाददाता सुनीश का। सुनीश, सीतापुर नेशनल हाईवे 24 पर बड़ा हादसा हुआ है, 4 लोगों की मौत हो गई है, इसको लेकर क्या जानकारी है? रात करीब 1:30 बजे ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि शाहजहांपुर का एक परिवार अपने रिश्तेदार संबंधियों के सहित अपने लड़के का मुंडन कराने देवा शरीफ बाराबंकी जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही सीतापुर से लखनऊ रोड के बीच में सिधौली तहसील पड़ती है, जहां ट्रैक्टर ट्राली एक मोड़ पे खड़ी थी, जहां पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ट्राली को टक्कर मारी, जिससे कम से कम 40 लोग जो ट्रैक्टर ट्राली में सवार थे वो घायल हो गए और उनमें ऑन द स्पॉट 4 लोग खत्म हो गए, जिनमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, वो उनका इलाज जो है ट्रामा सेंटर लखनऊ में इलाज चल रहा है। जी, हादसे के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है और 36 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, हादसे की क्या वजह सामने निकल कर आई है? जी देखिए, ये सीतापुर से लखनऊ और ये जो दिल्ली रूट है पूरा, ये कहीं ना कहीं तेज रफ्तार का एक रूट माना जाता है और देर रात थी तो कहीं ना कहीं ट्रक भी अपनी तेजी रफ्तार से आ रहा था। हाँ,
ये जरूर कहा जा सकता है कि जो ट्रक ड्राइवर था कहीं ना कहीं उसने आगे ट्राली को नहीं देखा और उसने बेहद तेजी से उसको टक्कर मारी। जी जी, इस पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है घटना को लेकर? जी, पुलिस प्रशासन कल जब ये हादसा हुआ उसके बाद तुरंत पूरा पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और सीतापुर के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह भी पहुंचे। उन्होंने पूरे घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और जो सात घायल थे उनको तुरंत ट्रामा सेंटर भी भिजवाया गया था। जी, बताया जा रहा है कि 36 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी स्थिति अभी कैसी है? जी मयूरी, आपको बता दें कि अब जो 36 घायल थे उनमें भी दो तीन लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन अन्य का इलाज सुचारू रूप से हो चुका है और सभी की हालत ठीक है। जी जी, धन्यवाद सुनीश तमाम जानकारी के लिए। नवाबगंज थाना क्षेत्र के माझाराट में एक शख्स को पुलिस झोला छाप डॉक्टर की हत्या के मामले में पूछताछ के लिए थाने ले गई थी, जिसके बाद पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस पूछताछ के लिए ले गई थी लेकिन शख्स को बेहोशी की हालत में छोड़ कर गई, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। इस मामले पर मृतक के पिता की तहरीर पर प्रशासन की तरफ से संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से SP ने SHO और SOG पर 302 के तहत FIR दर्ज की और निलंबित कर दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राशिद हमसे जुड़ेंगे। राशिद, पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मयूरी, सबसे पहले बताते हैं ये पूरा मामला थाना नवाबगंज के अंतर्गत का है, जहां 8 सितंबर को एक झोला छाप डॉक्टर की हत्या हुई थी और इस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए गोंडा की SOG और स्थानीय जो पुलिस थी, नवाबगंज की जो पुलिस थी, वो जांच पड़ताल में जुटी थी। वहीं गांव के रहने वाले एक युवक को पूछताछ के लिए उसे थाने लाया गया और किस तरीके से उस पर जुर्म ढाया गया कि जिसकी उसकी हालत नाजुक हो गई, पुलिस ने उसे उस युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और वहीं पुलिस ने जब परिवार को सूचना दी, परिवार भी जिला अस्पताल पहुंचा और जब स्ट्रेचर पर उस शव को लेटा हुआ देखकर परिजनों में कोहराम मच गया, रोते बिलखते दिखे और मामला टूल पकड़ता चला गया और परिवार का सीधा आरोप रहा कि ये हत्या पुलिस ने ही की है क्योंकि पूछताछ के बहाने उसके साथ उस पर जुर्म ढाए गए हैं। और जिस तरीके से बीती रात की ये बड़ी घटना हुई उसको लेकर जिले के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, SP भी पहुंचे, आकाश तोमर ने भी मामले को संज्ञान लिया और मर्चरी में पहुंचकर शव को भी देखा और उसके ठीक कुछ देर बाद उनका ये भी बयान आया कि परिवार का जो भी आरोप होगा या जो भी तहरीर मिलेगी उस आधार पर मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस SP के आदेश पर जो SOG थे उस पर और थाना अध्यक्ष पर भी कार्यवाही की है और 302 के मुकदमे दर्ज किए हैं और सस्पेंड भी कर दिया गया है। जी भाई, राशिद, युवक की मौत के बाद पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठा है, उसके बाद दो को निलंबित भी कर दिया गया है, इसकी क्या वजह रही, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, साफ तौर से कहा जा सकता है जिस तरीके से परिवार का आरोप था और जिस तरीके से SP ने कहा था कि परिवार का जो भी जिस तरीके से तहरीर मिलेगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी और कहीं ना कहीं सवाल ये है कि जब परिवार जो युवक था उसे पूछताछ के लिए थाने ले गए और एक अकेले कमरे में उससे पूछताछ की, जब युवक को ले जाया गया जिस तरीके से परिवार के लोगों का कहना है कि वो युवक ठीक था, उसके बाद पुलिस ये कह रही है कि उसकी तबीयत खराब हो गई, नाजुक होती चली गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। जब अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने उसे ही एडमिट करने से पहले जब चेक किया तो उसकी डेथ हो चुकी थी। कहीं ना कहीं पूरे मामले पर SP ने कड़ा रुख अपनाया और पहले तो सस्पेंड किया और 302 के मुकदमे भी दर्ज किया। जी राशिद, परिवार वालों का कहना है कि युवक की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है, तो इस पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ बयान सामने आया, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, इस पे SP आकाश तोमर ने साफ स्पष्ट कहा कि जो परिवार का तहरीर मिलेगा उस आधार पे कार्रवाई होगी और सवाल ये है कि जिस तरीके से परिवार का भी ये कहना है कि पुलिस ने ही उसे मार मार कर या फिर किन कारणों से मौत हुई
पुलिस जो परिवार है वो पुलिस पर ही हत्या का आरोप लगाया है और इसी बेस पर एसपी ने मुकदमा भी दर्ज कराया और सस्पेंड भी किया है। जी धन्यवाद राशि तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।